ये देख लें, इधर भी लाइन पर लाइन से लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ काम के इंतज़ार में, कोई आएगा इनको लेकर जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वीडियो में आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं ज़मीन पर, काम के हालात अच्छे नहीं हैं। ये लोग मजदूरी के लिए बैठे हुए हैं, कुछ कारीगर हैं, कुछ हेल्पर हैं, तो कोई आएगा यहाँ से इनको लेकर जाएगा। तो देख लें भाई लोग, काम के हालात अभी बहुत मंदे चल रहे हैं, तो अपना जो लोग नए आना चाहते हैं उनके लिए यही गुजारिश है कि अभी थोड़ा रुक जाए, हालात बेहतर हो जाए, फिर आप लोग यहाँ पर आए। मैं किसी को नहीं रोकता आने के लिए, लेकिन मैं जो हालात है वो बता रहा हूँ, हालात बहुत ही ख़राब है। सही है, नहीं मिल रहा काम, बिल्कुल नहीं मिल रहा काम। ईद के बाद काम बिल्कुल ही कम पड़ गया है। मेरा काम है आप लोगों को हकीकत बताना और दिखाना। ये देखें, तकरीबन 8 बजने वाले हैं सुबह के, अभी तक लोग बैठे हुए हैं, बहुत ही सख्त हालात चल रहे हैं लोगों के। ये तो भी लोग बाहर बैठे हुए हैं, और भी काफ़ी जगह पर लोग बैठे हुए हैं, जो रूम में लोग सो रहे हैं, घरों में पड़े हुए हैं, बाहर नहीं निकल रहे। रूम का रेंट देना बहुत मुश्किल हो चुका है लोगों के लिए। ये देख लें, लोग रोड पर भी खड़े हुए हैं, दुकानों के सामने बैठे हुए हैं। मैंने मुख्तलिफ जगहों से शॉर्ट्स लेकर आपको दिखा दिए हैं, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, जिसका जो दिल करता है वो करे। सही है, सोच समझ कर आए, अपनी पूरी ज़िम्मेदारी से। मुझे पता है हर बंदा नए ख्वाब लेकर आता है, अच्छी उम्मीद लेकर आता है, लेकिन अब क्या करें, कंडीशन ही कुछ ऐसी है। ये बता रहा हूँ, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा लोग घरों में बैठे हुए हैं फारग, जिनके पास बिल्कुल काम नहीं है। सही है, देखें इधर भी लोग बैठे हुए हैं नीचे, वो सामने पहले मैंने वीडियो वो बनाई है स्टार्ट में, उधर अभी वापस उधर जा रहा हूँ। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए हमेशा, इंशाल्लाह काम मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। लेकिन अभी जो कंडीशन है ना, वो बहुत डाउन जा रही है, बहुत ही डाउन जा रही है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।